नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम विदाउट अनियन गार्लिक की बैंगन की सब्जी बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैंगन की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने हल्दी, नमक और मिर्च से मैरिनेट करके रख लिया था, तो थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। बैंगन दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल सोक करता है और जल्दी सोक कर लेता है, इसलिए तो आपको आँच को थोड़ा हाई करके इसको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है। जब तक दोस्तों बैंगन फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैंने ये जो खड़े मसाले को थोड़ा दरदरा कुटका रख लिया है। और यहाँ पर जिंजर और हरी मिर्च, जैसे कि मैंने कहा था हम विदाउट अनियन गार्लिक की बना रहे हैं, तो अब इसको जिंजर और हरी मिर्च को पीस लेते हैं। सारे ब्रिंजल फ्राई करके रख दिया है। अब हम मसाले की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डालते हैं थोड़ी सी कलौंजी और लाल मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई गरम मसाले, हींग। देखिए सारे मसाले जैसे कड़क चटका गए हैं, हम जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और टमाटर डाल देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि टमाटर जल्दी पक जाए, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमने डाला भी हुआ है बैंगन में, और नमक भी डाला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से उसको डालना है। जब तक टमाटर कुक हो रहा है, तो मसाले तैयार कर लेते हैं। जीरा, खसखस, सरसों, इनको पहले ग्राइंड कर लेते हैं, फिर हम कोकोनट डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए इसको दरदरी कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें कोकोनट डाल के फाइन पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दोस्त, दरदरी कूटी हुई है, थोड़ा सा पानी चाहिए होगा इसमें, क्योंकि हमें फाइन पेस्ट करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर एक लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च भी ग्राइंड कर सकते हैं इसके साथ। मैंने ऑलरेडी बहुत मिर्च डाल रखे हैं, तो इसलिए मैं और ऐड नहीं कर रही हूँ। देखिए टमाटर बिल्कुल कुक हो गया है। अब हम इसमें फ्राइड करा हुआ ब्रिंजल डाल देते हैं, और जो मसाला ग्राइंड करा था उसको भी डाल। इसको अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये जो मसाले की जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी डाल देते हैं। इसको पकाते हो 3-4 मिनट हो गए हैं। अब आप ग्रेवी चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, थिक रख सकते हैं या थिन रख सकते हैं। अभी डालेंगे इसमें शुगर और थोड़ा सा देसी घी। दोस्तों ये हमारे विदाउट अनियन गार्लिक की बैंगन रेडी है।